अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। होंडा ये लंट्रा गाड़ी है। ये गाड़ी में मसला ये है, गाड़ी जब हम रोड पे ड्राइव करते हैं तो ये आप इसकी स्टीयरिंग की लाइट ब्लिंक करती है मीटर में, और दूसरा गाड़ी जो है थोड़ी सी एक साइड पे बैठती है जाती है, ये मीटर में आप देख सकते हैं स्टीयरिंग की लाइट आती है, इस तरह ब्लिंक करती है। तो इसका व्हील अलाइनमेंट का काम किया है, उसके बाद इस तरह का मसला आया इसमें। तो गाड़ी में फॉल्ट तो कोई भी नहीं आ रहा, पहले फॉल्ट आ रहा था लेकिन मैंने इसको DTC से रीसेट कर दिया। तो इसकी मैं आपको कैलिब्रेशन करके दिखाऊंगा कि इसकी कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं। तो ये स्टीयरिंग में लाइट देख सकते हैं आप, अब पहले इसको एक दफ़ा आपने रीसेट कर लेना, उसके बाद आपने इसकी कैलिब्रेशन करनी है। यहाँ से आप स्पेशल फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन ओके कर देना, स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन, इसको ओके कर देंगे। अब बोल रहा है स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन, द फंक्शन इज़ यूज टू कैलिब्रेशन स्टीयरिंग एंगल वाल पोजिशन इन EPS ECU। वो बोल रहा है कि जब आप स्टीयरिंग का कंप्यूटर चेंज करेंगे, EPS का गियर के मतलब काम करेंगे या इसकी अलाइनमेंट का काम करेंगे, तो इस तरह का इशू आएगा और इसके बाद इसका प्रोग्राम जो है मस्ट करना पड़ता है। ओके कर देंगे। अब वो सेकंड स्टेज बोल रहा है, इग्निशन ऑन इंजन स्टॉप, टर्न द स्टीयरिंग व्हील टू स्ट्रेट हेड पोजिशन, द प्रेस ओके। स्टीयरिंग का बोल रहा है कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तो स्विच ऑन कर दिया, ओके कर देंगे। तो प्रोग्राम इसका कंप्लीट हो गया। टर्निंग इग्निशन टू की ऑफ पोजीशन 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए वो बोल रहा है कि स्विच बंद कर दें, बाद में 15 सेकंड बाद स्विच ऑन करके यहाँ से ओके का ऑप्शन क्लिक कर दें। ये आप देख सकते हैं, चेक द स्टीयरिंग एंगल सेंसर इन विद इन +5 एट डाटा एनालिसिस। तो प्रोग्राम इसका कंप्लीट है। अब स्विच को हम ऑन करेंगे, अब इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये इसका प्रोग्राम करने का तरीका है, प्रोग्राम इसका कंप्लीट हो गया। तो एक दफ़ा फिर इसको डायग्नोस करते हैं। गाड़ी की कैलिब्रेशन तो हो गई है, अब गाड़ी डायग्नोस कर ली है पूरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोड नहीं आ रहा इसका, ये 6 नंबर पर आप देख सकते हैं, मोटर ड्राइवन पावर स्टेयरिंग, पहले इसके अंदर कोड आ रहा था। तो अब इसको एक दफ़ा इसका कोड चेक कर लेते हैं, रीड फॉल्ट कोड सिस्टम ओके। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। ये स्टीयरिंग की लाइट भी नहीं आ रही, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब भी आपने इसका गियर का काम करना है या कोई भी इसका स्टीयरिंग का काम करना है, ठीक है, तो उसके बाद इसकी कैलिब्रेशन आप ज़रूर करें। कैलिब्रेशन करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हुंडई में जितनी भी गाड़ी हैं उनका यही सेम तरीका है कैलिब्रेशन करने का, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।